अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए हैं। वो अब जैसे ही तुम पासपोर्ट साथ गुजरेगा हमें फौरन पता चल जाएगा सर। टाइगर तुम्हारी तरह इडियट नहीं है। कितना खर्चा होगा इमरान के इंट्रोडक्शन सीन के लिए? क्या फिल्म में दिखेगा चूहे बिल्ली का खेल? किस तरह से रिक्रिएट हुआ डीडीएलजे का पलट सीन? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रोशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज में। चलिए हमारी प्यारी ऑडियंस दिल थाम के बैठिए, टाइगर आ रहा है फिर से एक बार एक नए मिशन को लेकर। वैसे टाइगर से आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, सलमान खान की। एक था टाइगर में सलमान ने शुरू किया अपना मिशन, फिर एंड में हो गए गायब। नहीं नहीं, चकमा देकर हो गए गायब। फिर सब लोगों को यही लगा कि टाइगर मर गया है, पर नहीं, टाइगर तो जिंदा है और अब यही टाइगर आ रहा है तीसरी बार पूरे जोश के साथ। वैसे सलमान अकेले नहीं है, उनके साथ उनकी टाइग्रेस भी हैं, जिनका नाम है कैटरीना कैफ। बात यहाँ तक रुकने वाली नहीं है। इन दो तगड़े कलाकारों के साथ यशराज प्रोडक्शन आदित्य चोपड़ा ने एक ऐसे कलाकार को एंटीगोनिस के तौर पर कास्ट किया है जिसे देखकर लोग हैरान होंगे और उस पर प्यार भी लुटाएंगे। फिल्म में विलन का किरदार निभाने जा रहे हैं कूल एंड डैशिंग इमरान हाशमी। ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट का किरदार निभाएंगे। आपको पता होगा कि सलमान पिछली दो फिल्मों में रॉ एजेंट बने थे और कैटरीना कैफ पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट, और यही किरदार इस फ्रेंचाइज में भी कंटिन्यू किए जाएंगे। इसका मतलब मुकाबला तो होगा, उससे भी बढ़िया चूहे बिल्ली का मजेदार खेल होगा। इमरान सलमान को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। गुमराह करने के लिए अलग अलग लुक्स भी अपनाएंगे, मतलब बीच बीच में ये दुश्मन हाथ आते आते रह जाएगा। पर आप चिंता मत कीजिए, सलमान इमरान को जरूर पकड़ लेंगे। आगे की खबर सुनने के बाद आपको यही लगेगा कि आदित्य चोपड़ा मास्टरपीस बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके सपने में भी जयेश भाई जोरदार और शमशेरा के कमाई के आंकड़े उछल कर दिखाई देते होंगे। तो खबर ये है कि इमरान के इंट्रोडक्शन सीन के लिए यशराज 10 करोड़ का खर्चा करने वाला है। कैन यू इमेजिन 10 करोड़? मतलब एक सीन के लिए इतना पैसा बहाया जा रहा है। और इमरान तो इस बात से इतने खुश हुए हैं कि पूछिए मत, क्योंकि जब इमरान को रोल ऑफर हुआ था तब उन्हें सोचने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए था और वो इस प्रोजेक्ट को मना भी करने वाले थे। पर जिस तरह से आदित्य सलमान के साथ साथ उन पर भी फोकस कर रहे हैं उसे वो काफ़ी खुश हैं। अब आते हैं मिसेस कौशल की तरफ। दरअसल टाइगर 3 की शूटिंग के दौरान एक आइकॉनिक सीन रिक्रिएट हुआ। फिल्म की 65% शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में हो रही है और बाद में पूरी टीम मुंबई लौटकर यशराज स्टूडियो में शूटिंग करने वाली है। पर कैटरीना जब ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रही थी उसी वक्त वहां पर कुछ ही दूरी पर उनके फैंस मौजूद उन्हें देख रहे थे, पर वो कैटरीना से मिले ये मुमकिन नहीं हो पाया। फिर क्या, सारे जोर शोर से चिल्लाने लगे कैटरीना कैटरीना कहकर, और फिर कैटरीना ने पलट कर देखा और एक प्यारी सी स्माइल देकर हाई किया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करके वहां पर पलट का कैप्शन दिया, क्योंकि ऐसा पलट वाला सीन हुआ था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, जब शाहरुख खान कहते हैं कि अगर वो मुझसे प्यार करती है तो वो पलट के जरूर देखेगी। इसी तरह फैंस भी यही आशा कर रहे थे कि कैटरीना उन्हें भी एक बार पलट के जरूर देखेंगी, और वही हुआ भी। और कनेक्शन देखें, डीडीएलजे भी आदित्य चोपड़ा की ही फिल्म है, तो सोचिए अगर शूटिंग लोकेशन पर ये हाल है तो फिल्म रिलीज होने के बाद क्या होगा। ये टाइग्रेस तो अपनी अदाओं से ही मार डालेगी, पर इसके लिए हमें फिल्म आने का इंतजार करना पड़ेगा जो कि अगले साल आने वाली है। हमें पता है आपको इंतजार करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, पर सब्र का फल तो मीठा ही होता है। तो चलिए हम लेते हैं आपसे विदा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।